सारे लास्ट ईयर के पेपर्स को स्टडी करके मैंने सब्जेक्ट वाइज ये टॉपिक्स निकाले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज का टॉपिक है ऐसे टॉप 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो जीपैट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लास्ट मिनट स्टडी कर रहे हो और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करा जाए, बहुत लेट हो गया प्रिपेयर करने में, तो ये 10 टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो फॉर श्योर गारंटीड आप जीपैट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे पास उन सारे टॉपिक्स की सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम चलेंगे 10 से 1 की तरफ। अगर क्योंकि ये टॉपिक्स अगर कवर कर लिए तो एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छे से स्मूथली जाएगा। सो लेट्स गेट गोइंग। एंड हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। तो जीपैट 2024 आ रहा है, हम सब उसका वेट कर रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया। इनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर हम 10th टॉपिक की बात करें, 10 to 1 चलेंगे हम, तो बायोटेक्नोलॉजी या फिर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में जो टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं, अगर सिर्फ इनको भी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो मान के चलो ये सब्जेक्ट काफी हद तक कवर हो गया, क्योंकि इन टॉपिक्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके जीपैट रिलेटेड। मैं सेमेस्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो बायोटेक में आ गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये नहीं छोड़ सकते, स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बायो फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन कैसा होता है, उसमें कैसा एटमोसफेयर या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक्स, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है स्टेप वाइज प्रोसीजर, उनके टेक्नोलॉजी के नाम, पूरा डिटेल में नहीं जाना है, और एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मेसी, मतलब स्पेसिफिकली अगर आप कोई ड्रग बना रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो वो की पॉइंट्स आपको याद करने हैं। कुछ कुछ नाम भी याद करके चलोगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसा तो सब्जेक्ट बहुत डाइवर्स है हमारा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 9th नंबर पे, वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन को तो हम कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते, ना सेमेस्टर्स में ना जीपैट में। तो स्टेरिलाइजेशन की जो टेक्निक होती है, कितने टेम्परेचर पे स्टेरिलाइज करा जाता है, कितने ड्यूरेशन तक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है, डिसइंफेक्टेंट्स के नाम, राइट, माइक्रोबियल एसेज, अगेन माइक्रोबियल एसेज में जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग एसेज से रिलेटेड आते हैं, है ना। तो इसके आप कुछ कुछ टर्म्स याद कर सकते हो। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, अगेन बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है ना, कुछ एक दो नाम भी अगर आप पढ़ के चलोगे सुपरफिशियली इट विल बी मोर देन इनफ। एंड फर्स्ट पॉइंट मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम स्किप नहीं कर सकते हैं। अगेन मैं सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अगर अलग से लेक्चर चाहिए तो मैं ये टॉपिक्स आपको पढ़ा भी दूंगी, प्लीज ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि मैं ये टॉपिक्स को पढ़ा भी दूं जल्दी से जीपैट आने से पहले तो प्लीज मुझे बताइए। नेक्स्ट हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैंने 10 to 1 करा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स पे डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है डायरेक्टली, ये कौन सी एनालिटिकल टेक्निक है, तो हमें डेफिनेशंस तो बाय हार्ट पता ही होनी चाहिए, अगेन बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सीधे सीधे स्टैंडर्ड बुक से उठा के आपका डेफिनेशन दिया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, यूवी, आईआर, एनएमआर, इनमें भी हमें ये सब चीजें पढ़नी है, कितने वेवलेंथ पे परफॉर्म हो रहा है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, या ये टेक्निक क्या मेजर करता है, ऐसे बेसिक चीजें भी चलेंगी। क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स में एचपीएलसी, जीसी इंपॉर्टेंट है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी और गैस क्रोमैटोग्राफी, एंड इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स आप जरूर से पढ़ के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7th, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेम जो होती है हमारी, तो बायोकेम में हमें बायो मॉलिक्यूल्स और उनके फंक्शन, हमारा ग्लूकोज हो गया, हमारे अमीनो एसिड्स हो गए, इन क्या नाम है, इनके क्या फंक्शन है, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल्स भी रखे जाते हैं। एंजाइम्स और एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स तो हमारा शेयर्ड टॉपिक है, तो बायोकेम में आएगा ही आएगा, बायो फार्मास्यूटिकल्स में भी हमने काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा है, तो ये कॉमन टॉपिक है। मेटाबॉलिक पाथवेज और उनका रेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। एंड देन बायोकेमिकल टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन, अगेन आप सुपरफिशियली, तो कुछ कॉमन एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोकेमिस्ट्री के होते हैं टुवर्ड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो ये शेयर टॉपिक हो सकता है आपका। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स पे। तो रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स क्या होता है, बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसे हैं जो हम थ्रू आउट द ईयर पढ़ते आ रहे हैं इसमें। पेशेंट काउंसलिंग, ये जो टॉपिक है ना पेशेंट काउंसलिंग एजुकेशन, इसको ना आपको जब मल्टीपल चॉइस में दिया जाता है तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस होते हैं, मतलब 2-3 ऑप्शन काफी सिमिलर होते हैं। अगर हम जनरल पूछे तो हाँ, पेशेंट काउंसलिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, वो क्या क्या चीजें कवर करता है, लाइक दैट। ड्रग थेरेप्यूटिक थेरेपी मॉनिटरिंग एंड क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, तो ये चार टॉपिक्स हैं जो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स के लिए। 5th पे आ जाते हैं फार्माको विजिलेंस एंड ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, जो पीवी और डीआरए आपका। तो ड्रग्स के लॉज और रेगुलेशन पढ़ के जाइए, शेड्यूल्स पढ़ के जाइए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमारा फार्माको विजिलेंस प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एथिक्स क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस क्या है, कौन कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशन है,
अगेन मैं टॉपिक पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट आता हमारा ड्रग अप्रूवल प्रोसेस क्या है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस क्या होता है। तो इनको डेफिनेशन के हिसाब से पूछा जा सकता है। ड्रग अप्रूवल प्रोसेस में आपको हो सकता है स्टेप पूछा जाए कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा कि ड्रग अप्रूव होगी, आईएनडी फाइलिंग क्या होती है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन कैसे करते हैं, उनके डेफिनेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हम फार्माकोग्नोसी पे। तो फार्माकोग्नोसी में आपको प्लांट्स के सोर्सेस, ड्रग्स के सोर्सेस जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, सॉइल, जहां से भी मिल रहे हैं, सोर्सेस के स्टेट में नाम पूछे जाते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री या फाइटो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं हर्बल ड्रग्स का, इसमें आप टॉक्सिसिटी मॉनिटरिंग एंड ये सब चीजें पूछी जाएंगी आपसे, कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करते हो, और हर्बल फॉर्मुलेशन और उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम थर्ड पे आते हैं, 3, 2, 1 थर्ड होगा हुआ हमारा फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, हो सकता है आपको लगे आपके हिसाब से आपको कोग्नोसी ज्यादा पसंद हो, आपको कोलॉजी ज्यादा पसंद हो, तो नंबरिंग वेरी हो सकती है। मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं वो लास्ट ईयर के पेपर्स के हिसाब से बनाया है कि कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है और किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं। सूटिक्स में आता है आपका डोजेज फॉर्मुलेशन, डिलीवरी सिस्टम्स के नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, है ना, इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में फॉर्मूला स्ट्रेट अवे भी रख दिया जाता है, कैलकुलेशन भी करने को दिया जाता है। काइनेटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स, अभी मैंने आपको बताया था, अभी आपका इससे पहले बायोकेम में भी ये टॉपिक था। एंड देन एनडीडीएस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं फार्माकोलॉजी, जो पता ही है फार्माकोलॉजी इक्वल्स टू एमओए होता है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस, ड्रग मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन, जो हम एडीएमई पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एडवर्स रिएक्शन एंड ड्रग इंटरैक्शंस। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजी का कोर है, एसेंस है, यू कांट लीव दिस। एंड फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यस, इवन इफ यू लाइक नॉट लाइक, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो इसमें आपका ड्रग का क्लासिफिकेशन, आपका कोलॉजी में भी आता है ना, पर केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन बहुत बार डिफरेंट होता है क्योंकि ये केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे होता है, इसलिए देखो हाँ यहाँ लिखा भी है, इसलिए ये डिफरेंट है। वो हमारा होता है कोलॉजी में डिपेंडिंग अपॉन उसका ड्रग का एक्शन कैसे होगा, इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। देन मेडिसिन केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ड्रग किस तरह से रिएक्ट कर रही है, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, एंड फाइनली हमारा ड्रग प्रोडक्ट बन रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, डायनेमिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या होती है। तो ये है मेरे हिसाब से टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर योर जीपैट 2024 एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड इफ यू वॉन्ट तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ इन सारे टॉपिक्स को आपको टीच करने के लिए, तो प्लीज ड्रॉप दैट। इफ देयर विल बी मल्टीपल रिक्वेस्ट, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन ईदर वन टॉपिक और ऑन ऑल 10 ऑफ देम। ऑल द बेस्ट।